हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। होली आने वाली है तो होली पे पापड़ और कचरी तो बहुत बनती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आज साबूदाना के पापड़। इसको हमने रात को भिगा दिया था। साबूदाना 1 किलो है। ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो साबूदाना जो है हम गर्म पानी में डाल देंगे और इसे हम उबालेंगे करीब 1 घंटे तक। इसको हम उबालते रहेंगे तो साबूदाना ऐड कर देते हैं पानी में। साबूदाना के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो मैं डालूंगा आलू के पापड़ का। बहुत सारी चीज़ें होली पे बनती हैं, सबकी रेसिपी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। तो सारा का सारा साबूदाना हम ऐड कर देते हैं गर्म पानी में। गैस हमारी चालू है, इसे हम उबालने तो कम से कम 1 घंटे तक उबालेंगे इसे हम। और चलाते रहिएगा। साबूदाना पूरा घुल जाए इस तरीके से हम करेंगे। हल्का हल्का रह जाता है बस, और गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा। तो देखिए हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है। अभी इसको हम और उबालेंगे और चलाते रहेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा अच्छे से अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए जीरा ऐड कर रहे हैं इसमें। 2 चम्मच जीरा पूरा ऐड कर लिया हमने। और ये देखिए पीली मिर्ची है, लाल मिर्च नहीं है, पीली मिर्च है। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये व्रत में खाई जाती है। और यहाँ नमक ऐड कर रहे हैं हम स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च डालेंगे तो पापड़ लाल हो जाएंगे, इसलिए पीली मिर्च डालते हैं ताकि वो लाल ना हो, सफ़ेद ही रहें और तीखे भी लगें थोड़े। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों की गांठें ना रहें। करीब 1 से 1.5 घंटे तक हमने इसे उबाला है और चलाते रहे हैं हम लगातार। एकदम गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो गया है बनके। बस मसाले को और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसमें, मिर्च और नमक। अभी जो इसका कलर पीला पीला है, जब ये सूख जाएंगे पापड़ तो जब हम फ्राई करेंगे तो पूरे सफ़ेद निकलेंगे। तो देखिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी गांठें नहीं रह गई हैं उसमें। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमने गैस से उतार लिया है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। हल्के हल्के सावधान रहते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। अब पापड़ बनाने के लिए हम यहाँ पे हमने लिए पन्नी यानी कि पॉलीथीन, उस पर हम चम्मच की मदद से इस तरीके से हम गोल गोल डालेंगे। पन्नी पे ही रखिएगा, नहीं तो ये छूटेंगे नहीं बाद में। इस तरह से साइज आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी बड़ा रखना चाहें, हम मीडियम साइज रख रहे हैं। ऐसे ही छोड़ देना है उसको, खुद ही गोल आकार हो जाता है उसका। इस तरीके से कर लेना है। तो देखिए हमने बहुत सारे पापड़ बना लिए हैं सिर्फ 1 किलो साबूदाना से। इधर भी पूरा है और उधर भी एक पन्नी है, उस पर भी हमने कर लिया है। अब इसको हम सुखाएंगे। अभी सुबह का टाइम है, शाम तक हम इसको सुखाएंगे, शाम को इसको पलटेंगे। तो देखिए शाम हो चुकी है, अब पापड़ आसानी से पन्नी से छूट जाते हैं। तो इसको हम अब पलट देंगे ताकि एक साइड से और धूप लग जाए। देखिए इस तरीके से छूट जाएंगे। अब हम इसे 2 दिन तक सुखाएंगे ऐसे ही। थोड़ा बारिश का मौसम है, धूप ज़्यादा अच्छी खिल नहीं रही है,
तो करीब दो दिन तक तो सूखेंगे, दो दिन तक आपको सुखाने ही सुखाने हैं। तो यहाँ देखिए दो दिन हो चुके हैं और पापड़ हमारे तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे निकाल के तल के, बहुत अच्छी तरीके से फूलते हैं, साइज उसका बड़ा हो जाता है और खाने में बहुत लाजवाब लगते हैं। चाय के साथ खाइए, और होली में तो त्यौहार ही इसी चीज़ का होता है। तो देखिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी, वीडियो मैंने आपको पूरा दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखाया बनाने से लेकर खाने तक का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सारे पापड़ मैं निकाल लेता हूँ और देखिए कोई भी पापड़ मेरा ऐसा नहीं है जो फूले ना, हर पापड़ फूलेगा और बनाना भी बहुत आसान है। मार्केट से आप खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं ये, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं अपने सामने ही। और दूसरी बात, आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं अगर आपका व्रत है तो।